वेलकम टू यामिनीज किचन। आज मैं आपको बोमबील की हरी करी दिखा रही हूँ, जिसको हम मिरौनी भी कहते हैं, जो कि बीमार लोग होते हैं तो उनको दे सकते हैं, या हम लोग एज अ चेंज करके खा सकते हैं, क्योंकि हमेशा रेड मसाले में ही खाते हैं, लाल मसाले में। तो आज मैं हरा मसाला मराठी स्टाइल दिखा रही हूँ, कोकण स्टाइल। हम इन्ग्रीडियंट्स देखते हैं। ये बोमबील है, ये बोमबील को मैंने काट के रात को लाल मिर्च, हल्दी और नमक लगा के रखा है, थोड़ा सा नींबू निचोड़ा है। अभी मसाला पीसने के लिए आधा कटोरी कोकोनट, फिर थोड़ा सा कोथिंबीर, धनिया और अक्खा धनिया दो तीन चम्मच, ये दो तीन चम्मच लीजिए, और ये सौंफ है, बड़ी शॉप आप एक चम्मच लीजिए, इतना एक और आधा चम्मच लेंगे चलेगा। और ये दो मिर्ची है, इसको हम पहले पीस के लेते हैं, इसका मसाला बना लेते हैं। मैंने पहले से ही मसाला बना के रखा हुआ है, थोड़ा ड्राई है क्योंकि पानी कम डाला है मैंने उसमें। अभी हम तड़के का मसाला देखते हैं। दो लहसुन डालेंगे पहले तेल में, फिर कड़ी पत्ता, फिर एक छोटा प्याज, फिर आधा टमाटो डालने वाले हैं, और ऊपर से डालने के लिए उसका जो स्मेल होता है, या फिर उसका ये होता कुछ एक अजीब से मच्छी की ये होती है, वो कम करने के लिए हम इसमें कोकम डालेंगे। कोकम से कलर आएगा और खट्टापन आएगा। और ये है नमक, नमक और तेल हम इसमें थोड़ा डालेंगे। आपको चाहिए तो लाल मसाला थोड़ा डाल सकते हैं, लेकिन अभी हम हरी करी बना रहे हैं, इसके लिए हम इतना ही डालेंगे। अभी हम तड़के के पास जाएंगे। ये कढ़ाई गरम होने रखी है, अच्छी कढ़ाई गरम हो गई है। अभी देखिए मैं इसमें थोड़ा तेल डालती हूँ। मैं तेल ज़्यादा तो नहीं डालती, लेकिन नॉर्मल डालती हूँ, इतना ही, क्योंकि हमारे बोमबील कम है इसके लिए। ये देखिए लहसुन को मैं ऐसे ही पकड़ से ही बारीक करती हूँ ऐसे। ये देखिए अभी ये हम तेल में डालेंगे। ये देखिए तेल काफ़ी गर्म हो गया, अभी मैं उसमें लहसुन डालती हूँ। लहसुन डाला, फिर ये कड़ी पत्ता डाला, फिर ये प्याज डालती हूँ। तो किसी भी मच्छी में लहसुन डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे वो स्मेल जाती है, उसकी मच्छी की जो स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल, वो जाती है। अभी हम इसको भून के लेते हैं। अभी इसको हम बारीक आंच पे ही रखते हैं, ताकि ये कांदा अच्छे से भुना जाए। बोमबील को इस तरीके से मैरिनेट करके रखा है लाल मिर्च, हल्दी और नमक से। अभी इसमें हम थोड़ा प्याज डालते हैं। ये अच्छा से गलना चाहिए प्याज, तो वो दिखेगा नहीं ज़्यादा। प्याज गलने के लिए हम थोड़ा उसमें नमक डालते हैं। नमक ज़रूरत अनुसार ही डालिए। अभी प्याज गलने के लिए मैंने कढ़ाई में रखा हुआ है, ये देखिए। अभी इसके ऊपर मैं ढक्कन रखती हूँ, उसमें पानी रखती हूँ, क्योंकि पानी हमें लगेगा उसमें डालने के लिए, करी में डालने के लिए 5 मिनट के लिए। अभी आप देखेंगे कि भाप आ रही है यहाँ पे, तो मैं ये बंद करके ढक्कन निकाल। करी में ग्रीन मसाला डाल के हमने बोमबील छोड़ दिए हैं। ये देखिए तेल में हमने प्याज डाला था, प्याज, लहसुन, प्याज और टमाटो। देन हमने ये हरा मसाला डाल दिया, देखिए थोड़ा और डालती हूँ, और फिर हमने बोमबील उसमें छोड़े थे। इसको बॉईल आना शुरू हो गया है, ढक्कन का पानी, गर्म पानी इसमें डाला था। देखिए इसको ज़्यादा हिलाने का नहीं है, अभी जैसे बॉईल आता है हम उसे और 5 मिनट के लिए रखेंगे। ये बहुत जल्दी पक जाता है। अभी मैंने ढक्कन रख के इसके ऊपर पानी डाला है, अभी भाप आ रही है, भाप देख सकते हैं आप। तो अभी यही गर्म पानी हम उसमें डालेंगे, जितना थिकनेस चाहिए अकॉर्डिंग टू। ये देखिए गर्म पानी हम थोड़ा डाल रहे हैं उसमें। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, देखिए। हम ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, सिर्फ साइड से थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं।
इसमें अब मैं थोड़ा नींबू डालती हूँ, थोड़ा ही नींबू डालना है, ज़्यादा नहीं। अब जब लेडीज़ अकेली होती है, उनको घर में खाने के लिए एक ही चीज़ बनाने की है, तो उसमें हम थोड़ा पोटैटो डाल सकते हैं छोटा छोटा, ताकि वो रोटी के साथ खाए और करी चावल के साथ खाए। जैसे जैसे ये बॉईल होता है वैसे वो बटाटा बॉईल हो जाएगा, वापस हम उस पर ढक्कन रख देते हैं पानी वाला, ताकि वो अच्छे से पके। आप देख रहे होंगे भाप काफ़ी अच्छे से आ रही है और बॉइलिंग का आवाज़ आ रहा है, तो हम ये थोड़ा ढक्कन निकालेंगे, देखेंगे अगर पानी कम है ना तो उसमें थोड़ा पानी हम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको गाढ़ा चाहिए, लिपता चाहिए, तो पानी आप कम डालिए, थोड़ा पानी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि कम हो गया है पानी डाला पूरा, अभी उसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि वो थोड़ा गाढ़ा होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मैं थोड़ा इसमें, मुझे लगता है कि थोड़ा मसाला कम पड़ गया है, थोड़ा मसाला डाल रही हूँ, 3 से 4 चम्मच मसाला उसमें जाता ही है, ताकि वो अच्छे से पके और अच्छे उसकी स्वाद बने। ये देखिए जैसे ही बॉइलिंग हो गया है तो हम उसमें ये कोकम डालते हैं, कोकम कोकण में मिलता है और इससे टेस्ट अच्छा आता है और कलर अच्छा आता है, फिश को जो एक स्मेल होता है वो इससे जाता है। आप देख सकते हो बहुत बॉईल हो रहा है, ऑलमोस्ट पक चुका है और ये करी टोटल ग्रीन बनी है, तो ये ग्रीन करी कभी कभी एज अ चेंज हम खाते हैं हरे मसाले की, उसमें मिर्ची होती है, कोथिंबीर होती है, धना और बड़ीसौ, ये मच्छी मसाला है, हम घर में बनाते उसको खाते हैं। ये देखिए अभी ये बनेगा, हम थोड़ा 5 मिनट और ढक्कन रखेंगे गैस स्लो करके। आप देखोगे कि भाप आ रही है, 5 से ज़्यादा मिनट हो गए हैं। देखिए अभी इसमें हमने कोकम डाला था, कोकम एक ऊपर आया है, कोकम डाला था, पानी कम होता जाता है इसके लिए थोड़ा पानी डालते हैं हम लोग। अभी ये ग्रीन करी तैयार हो गई है, ये देखिए बोमबिल तैयार हो गए, बोमबिल पक गए हैं, बोमबिल जल्दी पकते हैं बहुत, और हमने एक फिश भी डाली थी इसमें कुपा करके, वो भी पक गई है, जब ये ऐसे लाल जैसी दिखती है, टूट रही है, पक गई है। ये देखिए ये करी बिल्कुल तैयार है आपके खाने के लिए। अभी हम गैस बंद कर देते हैं, हम पोटैटो सीप पका है कि नहीं देखते हैं, पोटैटो गरम करी में पक जाएगा। ये दादी को मम्मी को बहुत अच्छी लगती है करी, और बच्चों को भी अच्छी लगती है, बीमार लोगों को भी देते हैं, और जिनकी डिलीवरी होती है उनको ऐसा ग्रीन मसाले में बना के देते हैं। आप बताइए आपको अच्छी लगी क्या, आप करके देखिए आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच। इसको प्लेटिंग नहीं करती मैं, ये गैस बंद करके दे रखती हूँ, और जब राइस बनेगा तब ही बाहर निकालूँगी, ताकि वो रस्सा ऐसे अंदर ही अंदर पकता रहता है भाप में। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और रेसिपीज़ आपको दिखा सकूँ। थैंक यू।